नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष, सबका वेलकम है तो एक नए वीडियो टेक्निकल चाची पे। जैसा आप जानते हैं, वन प्लस में और उस समय या तो अपडेट्स मिलते रहते हैं या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज अपडेट होती रहती है जो हमें एकदम आश्चर्यचकित कर देती है। तो इस बार जो वन प्लस ने किया, अपना लॉन्चर को अपडेट किया 4.4.2 में, और इस अपडेट में हमें काफी कुछ नई चीजें देखने को मिल रही है। बेहतर वो आपको अगर क्लोज ऐप्स करने का है, ऐप्स के बीच में स्विच करने का है, या फिर अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन चलानी है छोटे से विंडो में, जैसे कि MIUI वाले वर्जन में होता है फ्लोटिंग विंडोज में, तो सेम अब आ चुका है वन प्लस में भी, जिसका नाम रखा उन्होंने फ्री फॉर्म। तो वो आपको मैं दिखाता हूँ कि इसको कैसे आपको इनेबल करना है अपने फ़ोन में, और कैसे आप लुफ्ट उठा सकते हैं फ्री फॉर्म ऐप्स का या विंडोज़ का अपने ही इस फ़ोन में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं, वन प्लस अपने लॉन्चर को लेकर एक नया अपडेट ला चुका है। अपडेट में अगर आप देखेंगे सबसे पहले, तो अगर आप देखेंगे ऐसे मेन्यू, तो मेन्यू में पहले आपको यहाँ पे एक बड़ा सा क्रॉस नजर आता था, अब वो क्रॉस आपको नजर नहीं आएगा। अब आपको क्लोज ऐप्स लिखा आएगा और यहाँ पे आपको डिफरेंट ऐप्स के आइकन्स भी नजर आएंगे। तो सबसे पहला चेंज हमें ये नजर आ रहा है अपने वन प्लस के लॉन्चर में, जो कि अपडेट हुआ है 4.4.2 को लेके। दूसरा अपडेट जो कि आया है, उस अपडेट को अगर जब आप यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपने सेटिंग्स में। फोन की सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन ऑन करना होगा। डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के लिए आपको अबाउट फोन में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे बिल नंबर जो है उसको आपको 7 times प्रेस करना पड़ेगा। मैं अपना डेवलपर ऑप्शन ऑन कर चुका हूँ, तो सीधा डेवलपर ऑप्शन में मैं जाकर आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ से सर्च करना होगा डेवलपर ऑप्शन को। ये देखिए डेवलपर ऑप्शन आ गया, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको नीचे जाना पड़ेगा, नीचे चलते हुए आपको यहाँ पे एक आइकन नजर आएगा जो कि है इनेबल फ्रीडम विंडोज। इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के बाद आपको अपना फोन रिस्टार्ट करना पड़ेगा। रिस्टार्ट करने के बाद जब आप अपना फोन ऑन करेंगे, और सपोज करिए आपने ऐप ओपन कर रखी है, सपोज कि आपने कैलकुलेटर ऑन कर रखा है, आप इसको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन नजर आएंगे, पहला लॉक, ऐप इन्फो, स्प्लिट स्क्रीन और फ्रीडम का, और आपको इधर फ्री फॉर्म वाला सेलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी ऐप अब बिल्कुल ही फ्री फॉर्म पे आ चुकी है, आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, लेकर के जा सकते हैं। और सपोज करिए कि आपको फिर भी आपको लगता है कि भाई मुझे और भी फ्री फॉर्म ऐप चाहिए, तो देखिए फ्री फॉर्म ऐप की मैंने ये देखी, अब ये ऐप आपकी बिल्कुल फ्री फॉर्म हो गई है, बिल्कुल छोटे विंडो पे बन गई है, आप इसको कहीं भी लेकर स्क्रीन पे लेकर घूम सकते हैं। क्रॉस करने के लिए सिंपल, यहाँ क्रॉस कर दीजिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे अभी फुल मेन्यू में मैक्सिमाइज करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ऊपर आपको यहाँ पे आइकन नजर आएगा क्रॉस के साथ, ये वाला, अब जैसे इसको प्रेस करेंगे तो आपके फुल फोन में ये चल पड़ेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट वन प्लस की तरफ से आया है। बस इस अपडेट में इतना ही था इस लॉन्चर को लेके। फ्री फॉर्म वाला अपडेट काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये जो न्यू इंटरफेस मिला कि भाई ऐप्स के बीच में फ्लक्चुएट करने का और ये क्लोज ऐप्स करने का, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक करें, कोई भी आपका सुझाव है या क्वेश्चन उसे नीचे कमेंट करके जरूर पूछें, और जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं हूँ मनीष, और मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।